गोल्डन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खैरा। हमारे यहाँ 1 साल और 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स फ्री में करवाया जाता है। एडमिशन शुरू हो गई हैं, जल्द से जल्द संपर्क करें क्योंकि सीटें सीमित हैं। नालागढ़ की नवाग्राम पंचायत में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री को लेकर प्रशासन की तरफ से जनसुनवाई हुई, जिसमें जिला सोलन के एडीएम विवेक चंदेल, पोल्यूशन विभाग, उद्योग विभाग, केंद्रीय ड्रग कंट्रोल, नालागढ़ के एसडीएम सहित कई विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। जनसुनवाई के दौरान लोगों की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री की क्षमता को बढ़ाने के पक्ष में सहमति जताई। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से जन सुनवाई रखी गई थी, तो अधिकतर लोगों का उसमें पॉजिटिव व्यू था। लोगों का ये मानना है कि अंबुजा सीमेंट जो है अपनी अंबुजा फाउंडेशन के माध्यम से CSR एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। पर्यावरण से संबंधित इन्होंने सभी मानकों का इसमें ध्यान रखा है, तो लोगों का अधिकतर लोगों का पंचायत प्रतिनिधियों का इसके पक्ष में ही जो है कहना था। और मैंने अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के प्रतिनिधियों से भी अनुरोध किया है कि भविष्य में भी जो इन्होंने मानक अभी तक ठीक रखे उसका पूरा ध्यान रखें और CSR एक्टिविटीज़ में और भी बढ़ चढ़ के ये भाग लें, इस प्रकार की हमने इनसे रिक्वेस्ट की। सर कितनी बढ़ाई जा रही है इसकी कैपेसिटी, कितनी बढ़ाई जा रही है? इसकी जो कैपेसिटी है वो 1.5 MTPA से 2.2 MTPA की जा रही है, जो कि इनकी जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है और जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसी के से ये इनका हो जाएगा। और इसके अंदर कोई एडिशनल वाटर की यूसेज भी नहीं है, तो जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मशीनरी का करके ही अपनी कैपेसिटी को बढ़ा। आज मुद्दे यहाँ पे लोगों ने विचार रखे ज़्यादा तो सामाजिक कार्यों के बारे में, बल्कि मेरी अपेक्षा थी कि शायद सीमेंट इंडस्ट्री है इसके बारे में लोग प्रदूषण की समस्याएं ज़्यादा रखेंगे, लेकिन कंपनी के द्वारा प्रदूषण कंट्रोल के लिए जो सिस्टम लगाए गए हैं और इस बढ़ोतरी से उनकी एडिक्वेसी जो है वो जितने भी स्टैंडर्ड है उसको मीट करेगी, तो एक आज का जो निष्कर्ष यही निकला है कि यहाँ के लोगों द्वारा इस पर्यावरण के संबंध में जो भी यहाँ पे उन्होंने कदम उठाए वो काफ़ी उसके लिए उन्होंने संतुष्टि जाहिर की और बढ़ोतरी के लिए अपनी। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।